हेलो फ्रेंड्स, मैं मानिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे अपने गार्डन के बारे में और वेदर के बारे में बात करती हूँ। आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, चारों तरफ धुंध हो रही है। ऐसा लग रहा है जयपुर जैसे कोई हिल स्टेशन जैसा हो रहा है। अगर मैं अभी बाहर कहीं गई आज तो आप लोगों को और दिखाऊंगी कि आज जो है वो हमारे उधर एक एरिया है, जगतपुरा की तरफ का एरिया है, और वहाँ पर हमारे जो है वो हिल्स हैं। वहाँ जयपुर के आपको पता है तीन तरफ हिल्स हैं हमारे जयपुर के, तो वो जो हिल्स हैं उनके ऊपर एकदम ऐसे कोहरा छाया हुआ है। जैसे हिल स्टेशंस पे हम जाते हैं तो हिल स्टेशन पे होता है ना, जैसा उस तरह का कोहरा छाया हुआ, दिख भी नहीं रहे वो पहाड़। अगर मैं आज निकलती हूँ तो आपको वो भी शूट करके दिखाऊंगी। और अभी मैं आपको अपने आसपास दिखाती हूँ कितना कोहरा हो रहा है, और एकदम ऐसा लग रहा है जैसे आप हिल स्टेशन पे हो। छत पे आए हुए हैं हम, और इस टाइम छत पे चारों तरफ फ्लावर्स हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी हिल स्टेशन पे आप कोई शिमला में या कोई ऐसे दार्जिलिंग वगैरह में हो। तो देखिए, अब आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए कितनी धुंध है चारों तरफ आकाश में, देखिए। और ये मौसम है ना, हमारे यहाँ जयपुर में इस मौसम में पतंगें उड़ाई जाती हैं, और सबसे ज़्यादा पतंग जो है ना यहाँ पे सकरात पे उड़ाई जाती है। मेरा ख्याल 14 जनवरी को सकरात होती है, उस दिन पतंगें जलाई जाती हैं, मतलब लोहड़ी होती है हमारी 13th को, तो हम लोहड़ी रात को लोहड़ी जगाते हैं और नेक्स्ट डे सकरात होती है। और देखिए कितनी, वो देखिए पीछे इतना, और जबकि राजस्थान में हमारे यहाँ तो शायद ये कोई साइक्लोन आया हुआ है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। और ना लोग, हमने भी रात को बॉनफायर किया था, और लोग आग जला जला के, देखिए धुआं आपको दूर दिख रहा होगा, आग जला के लोग बैठे हुए हैं, और इतना मज़ा आता है। रात को हमने भी आग जलाई थी, गमला एक कोई मेरा 12 इंची का गमला था, उसके अंदर आधे में बजरी भर के और आधे में वो गार्डन की पुरानी मेरी सूखी हुई लकड़ियाँ वगैरह पड़ी थी, जगा के इतना मज़ा आया। तो ये एक मैंने आज नई हैंगिंग बास्केट्स, इसमें पिटूनिया लगा के। आप ये मुझे बताइएगा, मुझे लग रहा है ये मैंने ज़्यादा नीचे ज़्यादा डाउन तो नहीं लटका ली, तो वो दिखाइएगा। अच्छा फिर चलिए, अब ये बात करती हूँ तो मैं ये भी बात कर लेती हूँ कि अगर ऐसा मौसम, कल तो बारिश भी हो रही थी सारा दिन थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए फर्श भी आज बारिश के कारण भी गंदा हुआ है, अभी क्लीनिंग होनी है। तो इस मौसम में हमें पौधों की क्या देखभाल करनी है? वैसे तो देखिए नॉर्मली जो सर्दियों के पौधे हैं ना, वो इस मौसम में अभी उनको अच्छा लग रहा है, जो हल्की हल्की जो कल ड्रिजलिंग हुई है और जो मौसम में मॉइस्चर है। लेकिन ये जो फॉग वगैरह होता है ना, और ये इतना बदमाश है, ये अब जो गीले पौधों पे जो ओस जमी हुई है ना, उसको चाट रहा है ये पीने के लिए। अच्छा इस मौसम में एक चीज़ बहुत है कि आपके ये जो हमारे ये जो पौधे हैं ना विंटर के, ये इस टाइम इनमें पानी होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो धुंध वाला या फॉग वाला ऐसा जो मौसम होता है, इसमें पानी नहीं होता ना पौधों में, तो वो बहुत नुकसानदायक होता है। तो पौधों में पानी होना चाहिए, और जैसे रात को धुंध वगैरह पड़ गई है तो अर्ली मॉर्निंग आपको अपने पौधों पर स्प्रे करना चाहिए, या तो स्प्रे कर दो या पाइप से पानी दे दो, उससे आपके पौधे ठंड से बचे रहते हैं। तो पौधों को आप इस मौसम में सुबह जो है स्प्रे कर दें, नॉर्मल जो हमारा टैप वाटर आता है उससे आप इसको स्प्रे कर दें इनको, ताकि इनके ऊपर धुंध जो जम जाती है ना, वो इनको सर्दी के मौसम में बहुत नुकसान देती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अपने पौधों को सुबह अगर बहुत धुंध वगैरह पड़ रही है तो सुबह के टाइम एक बार स्प्रे कर दें। इनके गमलों में मॉइस्ट रहनी चाहिए, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, अगर मिट्टी सूखेगी तो ये धुंध वगैरह जो है ये आपके पौधे को ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। तो सर्दियों में ये इस टाइम ये जो ऐसा सा मौसम होता है ये ध्यान रखना है। धूप नहीं आ रही है इसमें, एक आधा दिन नहीं है तो चलता है, 2-3 दिन अगर लगातार 4 दिन 5 दिन ऐसा मौसम है तो फिर आप कुछ अपने जैसे सक्यूलेंट्स हैं या आपके जो ये हैं क्या बोलते हैं अडेनियम्स हैं, अडेनियम्स को आप थोड़ा सा कवर्ड प्लेस में रख दें, क्योंकि हर वक्त का मॉइस्चर बहुत ज़्यादा और ये धुंध सी जो है
ये अडेनियम को नुकसान देगी, सक्यूलेंट्स अगर आपके पास हैं तो ये सक्यूलेंट्स को नुकसान देगी ये चीज़, तो इस चीज़ का आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो और चलिए थोड़े से फ्लावर्स दिखा देते हैं रेननक्यूलस। अभी मैंने रेननक्यूलस को कोई अरेंज नहीं किया है कि क्या कहाँ रखूँ, लेकिन ये देखिए रेननक्यूलस अब खिलने लग गए हैं। ये देखिए इस बार रेननक्यूलस में एक बहुत प्यारा रेड कलर आता है, वो नहीं आया है। ये दो ऑरेंज शेड सब अलग हैं लेकिन ये ऑरेंज टोन पे हैं। ये जो है येलो और ऑरेंज का मिक्स जैसा है, और ये वाले पिंक हैं, ये येलो है, और ये डिफरेंट शेड ऑफ येलो है ना। रेननक्यूलस सब इस मौसम में अच्छे लग रहे हैं, बस ज़्यादा बारिश हुई ना तो इनको रेननक्यूलस को भी मेरे को कवर्ड में करना पड़ेगा, इनकी पत्तियों पे जो है वो पानी गिरेगा तो थोड़ा सा ठीक नहीं है। और बाकी जो पौधे हैं सर्दी वाले वो इन्जॉय करते हैं इस मौसम को, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सक्यूलेंट और अडेनियम का ध्यान रखें आप। और थोड़ी और ज़्यादा कोई डेलिकेट लग रहा है तो, और मिट्टी सूखी नहीं रहने दें जो मैंने अभी आपको एक दो पॉइंट्स बताए हैं। और देखिए लिलियम के फ्लावर्स इन्जॉय करिए, इस मौसम में बड़ा अच्छा लग रहा है। अंदर आप रजाई में बैठते हो ना तो भी अच्छा लगता है, लेकिन छत पे आके और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी, बार बार वही चीज़ बोलूँगी कि हिल स्टेशन पे आए हैं और मौसम बिल्कुल वैसा है। अच्छा एक कोई व्यूअर है, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने कोलियस का कलेक्शन नहीं दिखा रहे हो, तो देखिए कोलियस का कलेक्शन में आपको 2-4-5 दिन रुक जाइए। कोलियस की नई कटिंग्स लगाई हैं इनके साथ मैंने, पुराने पौधे हटा के। मैं आपको पता ही है जो रेगुलर देखते होंगे, कोलियस में बदलती रहती हूँ इसकी कटिंग, बहुत बड़ा पौधा हो जाता है फिर उसकी कटिंग लगा देती हूँ। तो अभी देखिए ये कटिंग लगाई हुई है ये सारी, और जैसे जैसे ये अब बड़ी होंगी तो फिर ये इनके जब ये फ्लावर खिलेंगे ये भी बड़ी हो जाएंगी। एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये कोलियस मैंने इसमें, ये कोलियस इसमें लगाया हुआ है, ये घोड़ा गाड़ी वाले स्टैंड में, इसमें एक छोटे से गमले में रख के, ये देखिए छोटे गमले प्लास्टिक के गमले में रख के उस गमले को इसमें रख दिया हुआ है, ताकि ये मिट्टी वाला गमला ख़राब नहीं हो। ये फ्रीशिया के देखिए निकले हुए हैं। और एक व्यूअर है, उन्होंने पूछा था कि किस चीज़ के बल्ब्स पूछे थे मेरे से, वो दिखाती हूँ मैं आपको। लेसियंथस के उन्होंने कहा था बल्ब्स छोटे छोटे आते हैं, आप वो भी लगाइए। तो देखिए मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, ये देखिए काफ़ी टाइम से लगाए हुए हैं। अब इनमें देखिए कब फ्लावर आते हैं और कैसे आते हैं, और ये एक ऑक्सैलिस की अलग वैरायटी है, इसमें भी फ्लावर आएंगे। और ये बल्ब्स मैंने ऑनलाइन मंगाए थे लेसियंथस के, तो देखते हैं अब इसमें किस तरह के, मैंने फ्लावर अभी तक देखे नहीं है लेसियंथस के, तो देखती हूँ किस तरह, सॉरी लिसियंथस, मैं लेसियंथस बोले जा रही हूँ, तो देखते हैं किस तरह के फ्लावर्स आते हैं। ये एक नए फ्लावर्स इस बार मैंने लगाए हैं निमिशिया के, ये मुझे ये लोबेलिया के फ्लावर्स लगाए हैं। इंडिविजुअल फ्लावर देखे तो बड़ा सुंदर है इसकी, देखिए पत्तियों का और इसका अरेंजमेंट। बाकी ये देखिए मुझे कुछ ऐसा ऐसे फैल रहा है, और शायद यहाँ इसको धूप कम मिल रही है, फ्लावर्स इतने नहीं है जितना पौधा फैल रहा है। हो सकता है अभी थोड़े दिनों बाद जब थोड़ा धूप ज़्यादा हो तो इसमें फ्लावर्स ज़्यादा खिलें। तो बस यही सब मौसम की बात करने के लिए आज मैंने आपसे ये वीडियो बनाया, देखिए कैसा लग रहा है। और इनको भी देखिए बोगेनविलिया कैसे लग रहे हैं। और बस इसी के साथ अब वीडियो को फिनिश करते हैं। हाँ एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये देखिए साइक्लेम इनके फ्लावर्स की बर्ड्स आ रही हैं, देखिए ये देखिए यहाँ से सारी बर्ड्स निकल रही हैं। साइक्लेमिन जो है ये बिल्कुल छाया में लगता है, मतलब धूप का पौधा नहीं है ये, तो इस एरिया में मेरे छाया रहती है। तो और ये भी दिखाती हूँ थोड़े से, चलिए पेंजी देखिए अलग अलग शेड के, देखिए ये इसकी अलग शेड है, इसका अलग था, देखिए इसका अलग है बिल्कुल, ये अलग है और ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है। पर्पल में भी देखिए कितने शेड्स हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
ओके फ्रेंड्स बाय, बोलो लियो बाय। ये ऊपर प्लेन, हमारे यहाँ एयरपोर्ट पास है तो प्लेन यहाँ से जाता है तो उसको देखता रहता है, बर्ड्स ऊपर बैठती हैं फ्रेम पे उसको देखता रहता है, इसकी लाइफ में बहुत एंजॉयमेंट है। पतंगे बहुत शौक से देखता है उड़ते हुए। आउ वाउ बिच्चू बिच्चू, पाला बच्चा पाला बच्चा। बाय बाय बोलो बाय, बॉय 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 बॉय।